यस सर। चलें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा किया अली आपने बता दिया, मुझे याद नहीं था। और थर्ड वन हमारे पास होता है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर और नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये देखें, मैं एक पार्शियल फ्रैक्शन लिखता हूँ जिसमें लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये देखें, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इसके हमें पता है इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे, हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इसके पेयर्स बन जाएंगे, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, वो नॉन रिपीटेड में आ जाएगा। अगर कोई इस तरह का हो हमारे पास, और हम देखते हैं वन ओवर, हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस 1 का होल का स्क्वायर, इसमें रूट क्या हो गए, रिपीट। और एक हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास रूट्स भी आते हैं और शायद ऐसे रूट्स भी आते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट बनता है, जिसके रूट्स बनते ही नहीं आगे। फॉर एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल कौन सी होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास इसकी जगह आप कर लें 2, इसमें बन जाएगा एक्स माइनस 2, तो बन गया ये, तो हमारे पास एक रूट हो गया। लेकिन जब इसका आगे आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका आंसर हमारे पास नहीं होता, इसके रूट्स फर्दर नहीं निकलते। तो इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट, जब हम करेंगे मतलब उसमें, जब अगर ये वाला फंक्शन हो सिंपल, इस फंक्शन को हम लिखते हैं ए ओवर एक्स माइनस ए, याद आया, प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, ये जिसमें नॉन रिपीटेड थे, और जिसमें रिपीट हो जाए ये वाले। अब इसको लिखते हैं, ये वाले फंक्शन को ना, इस फंक्शन को हम लिखते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास वन ओवर एक्स माइनस ए ए ओवर प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का क्या है स्क्वेयर, स्क्वेयर। प्लस सी में हमारे पास क्या बन जाएगा, सी में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस बी। ये दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप। पहले रिपीट कर लें उनको, अगर रिपीट नहीं करना, आप कहते हैं ये सर जी हमने करना है मतलब एक्स माइनस बी को हम ए के नीचे रख लें, तो फिर बाद में हमने इसको रिपीट करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास आ जाएगा जो सी के नीचे लिखा है ना, एक्स माइनस बी इधर भी आ सकता है, फिर आगे इधर इसके नीचे बी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए, सी के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल का स्क्वायर। और जो हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना है, ए के नीचे तो ये एक फैक्टर बन रहा है हमारे पास एक्स माइनस 2 प्लस, जिसमें हमारे पास फैक्टर ना बने तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने लिखना है बी एक्स प्लस सी ओवर वो वाला फंक्शन जिसके फैक्टर नहीं बनते। इधर तक क्लियर सबको, कोई यस सर। सर कंफ्यूजन तो नहीं, ये रिपीट किया नो आपको, ये सर। आते हैं आते हैं, ये रिपीट किया है मैंने बस ना, ये सारा कुछ आपको आता है, ओके सर। वो लग बात है आपकी रिवीजन नहीं हुई क्योंकि आपके पेपर नहीं हुए, अगर जी पेपर सर। हो जाते तो आपको तो ये देखते साथ ही आपने कहा सर जी ये रहने दें, यस सर। यही मसला बना है बस, आपके जो पेपर हुए हैं ना, पेपर नहीं हुए। अच्छी बात है, नहीं हुए। अच्छी बात तो है, लेकिन मैंने जी बताया था ना आपको, वो ना खुदा ना खास्ता कि उन्होंने बाद में फर्दर नौकरी लेने जाए ना, तो उन्होंने कहना है कि जिसने कोरोना वायरस में मैट्रिक किया या इंटर किया है ना, वो अप्लाई ना करें। जी, उमर आपको सलाम कह रहे कौन कह रहा है? हैं। उमर वालेकुम अस्सलाम। ओके भाई ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अब आते हैं हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज की तरफ। हो गया। पहले 8 सवाल लगातार है। पहले 8 सवाल लगातार। अच्छा भी सॉरी, उसमें मुझे एक बात आपको बताना भूल गया मैं, नोटबुक फिर आ जाएगी। उसमें आते हैं हमारे पास एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर, याद ये है? पता है हमें, ये पता है।
क्या होता है इम्प्रॉपर, क्या होता है प्रॉपर, क्या होता है तो प्रॉपर में होते है कि अगर डिग्री मतलब कि ऊपर वाले की छोटी हो, इम्प्रॉपर में सेम या बड़ी हो। सही हो गया। लेट्स सपोज ये था हमारे पास इम्प्रॉपर प्रॉपर, और इम्प्रॉपर में हमारे पास होता है ऊपर वाली इक्वल हो या ऊपर वाली बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, उसको हम तकसीम करके पहले डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद हम आगे प्रोसेस लेके चलते हैं उसका ना। अब करते हैं बिस्मिल्लाह जी हम अपनी एक्सरसाइज से। चलें जी बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है, ऊपर पावर छोटी है, इसमें बोर्ड मानकर कोई कौन सा लें? रेड रेड ले, रेड ले लें, रेड खतरे का निशान होता है। चल थ्री एक्स प्लस वन ओवर में एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, आपने ऐसे नहीं करना पेपर में कि मतलब ये लेके चलते जाना है, इसको लेके चलते जाना है। आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप उठाना है, इधर साइड पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस सिक्स, माइनस थ्री और टू इसके पेयर बन गए। पेयर बनाने के बाद आप लोगों ने ये नीचे बनाए हुए उसने ना, पेयर बनाने के बाद हमारे पास एट द एंड ये रिजल्ट आ गया। आपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपने डायरेक्ट ये लिख देना है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक हो गया भाई। यहाँ तक जब आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ तक आने के बाद हमने करना क्या है, अब यहाँ से देखो इसकी हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, मतलब नीचे वाले के अगर हम देखते हैं इधर से, आपको कैसे पता लगेगा सर कि हमने इस पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करना है? अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर हमारे पास फार्मूला नहीं, ये लाजमी नहीं कि मतलब इस तरह ही हो। मतलब लेट्स सपोज ये देखो, ये देखो नीचे वाले फंक्शन का अगर हम ऊपर फार्मूला ही पूरा बना लेते हैं तो ये लाजमी नहीं कि इसके नीचे, अब नीचे फैक्टर बन रहे थे लेकिन हमने इस पे वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट इस पे लगा देना लॉग और ये वाला नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है ना, हमने ये चेक कर लेना पहले कि हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो उस पे हम लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के हम आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमने देखना है कि इसका दूसरा सोल्यूशन, दूसरी सोल्यूशन की तरफ तब मूव करना है हमने, के वो ना हो गया एट द एंड हम पार्शियल फ्रैक्शन करते रहे जब देखें मतलब 10-15 मिनट जाया करने के बाद, ये तो यार वैसे सिंपल सॉल्व हो जाना था, पहले हमने ये ट्राई करनी है, ये चेक करना है। ठीक हो गया ना। अब ये देखें हमारे पास आ गया 3x plus 1, x minus 3, x plus 2. अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको सोल्व करना है थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। जब पार्शियल फ्रैक्शन हम सोल्व करेंगे हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से भी वही आंसर आएगा लेकिन वो लंबा रूट हो जाएगा, मतलब अब घर जाना है हमने, अब जब हमें पता हो ना कि घर में कोई चीज अच्छी पकी हुई है तो हम घर जाते हैं फौरन भाग के, हमें 5 मिनट लगते हैं। जब हमें पता लग जाए ना घर में आज साग बना हुआ है या कोई इस तरह का बना हुआ है तो हम कहते हैं कि यार बाहर से खा पी के जाते हैं, मतलब आधा पौना घंटा लगा के जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व जब करेंगे आप लोग तो हल पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, लेकिन आपने मेथड देखना है उसका कौन सा इजी मेथड है। ठीक हो गया ना? यस सर। हाँ जी आज भी साग वाले पराठे बने हुए हैं। अच्छा अभी ये देखें नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3x plus 1, x minus 2, x plus 2. कैसे लिखना है, a के नीचे x माइनस थ्री, बी के नीचे x प्लस टू। अच्छा एक इसका डायरेक्ट मेथड भी है, एक इसका डायरेक्ट मेथड भी है, मतलब डायरेक्ट मेथड में ये करना है काम, आपको पता है ये वाली वैल्यू निकालते हैं जब हम x माइनस थ्री को रखते हैं जीरो के बराबर तो इधर से आंसर क्या निकल आता है, थ्री। आपने थ्री इसमें नहीं पुट करना,
आपने थ्री इसमें पुट कर देना है, जिसमें से वैल्यू निकाली है ना। अली गौर से देखना, ये यस मेथड इजी मेथड है सर। कि एक्स माइनस थ्री है ना, जो इसमें से हमने वैल्यू निकाली, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, थ्री। तो हमने ये जहां से वैल्यू निकाली है उसमें नहीं पुट करना, ये जस्ट उसके लिए नॉन रिपीटेड रूट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हमने ये इसके नीचे पुट कर देना है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ओवर फाइव बन गया। अब हमने इसमें इसमें नहीं पुट करना, जहां मतलब जो जो वैल्यू होगी ना एक्स माइनस थ्री वाली, उसमें नहीं पुट करना, बाकी सब में पुट कर दें। इसमें थ्री पुट किया, थ्री थ्री जार नाइन प्लस वन टेन ओवर थ्री प्लस टू फाइव, ये फाइव टू जार, ये फाइव इधर आके टेन, बी का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन। मतलब कि जिसमें एक्स माइनस थ्री इसमें नहीं पुट करना, बाकी हर जगह पुट कर बाकी देना। हर जगह पुट करके तो उसका आंसर हमने ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब ये पेपर में कर सकते हैं सर? हाँ ये पेपर में आप कर सकते हैं इसका। मैंने तो ये तो मेथड है, ये हमारे पास जो दूसरा मेथड है ये तो हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड एक्स माइनस थ्री के साथ और एक्स प्लस टू के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और दूसरी तरफ से हमारे पास टर्म रह जाएगी ओनली एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब ये आने के बाद वही प्रोसेस आपने, इसने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद इसने आंसर निकालने हैं। हालांकि कंपेयर वाला मेथड इजी नहीं है, मुश्किल है। आप डायरेक्ट इधर से वैल्यू निकालो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री आ गया। जब इसमें थ्री पुट करेंगे तो आंसर इसका जीरो हो जाएगा और इसका आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा टू प्लस थ्री फाइव और इधर बन जाएगा टेन, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू। ठीक हो गया ना। अब ये वाला मेथड ना करना आप लोग, ये लेंथी मेथड किया है और कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट जब तो आपके बी के पास, लिए भी यही मेथड करना ना। हाँ हाँ यही मेथड कर लें आप। यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक ये स्टेप के बाद आपने एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो थ्री की वैल्यू निकाली, फिर यही मेथड रिपीट करना है आपने, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, तब ये वाला सारे का सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा और ये रह जाएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस सिक्स बन जाएगा, माइनस सिक्स में से एक निकाल दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस फाइव और इधर भी माइनस फाइव था, माइनस फाइव से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा वन। ठीक हो गया ना। हेलो हेलो जी सर। जी, पता नहीं नेट, मेरे ख्याल में नेट इश्यू बन गया था। जी सर यहाँ पे थे हम। अच्छा भी ये जी हमारे पास आंसर आ जाएगा ए और बी का, मतलब इन शॉर्ट हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखा ए की जगह आंसर आ गया टू, बी की जगह आंसर आ गया वन। अब ये हमारे पास इसका मतलब इस पूरे का आंसर ये है, तो इंटीग्रेशन में हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ये थी ना हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन, इसकी मालूम करनी थी हमने ये सारे पोर्शन की। अब उसकी जगह ये आंसर आ गया हमारे पास, अब उनकी इंटीग्रेशन हमने अलग अलग ले लेनी है दोनों की। अब दोनों की इंटीग्रेशन जब अलग अलग लेंगे इसका आंसर क्या बनेगा, एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर क्या है हमारे पास, वन मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव इधर भी वन मौजूद है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस। आगे तो 1 मिनट वाला सवाल है, मतलब एक लाइन वाला सवाल है यस सर। बस। मेन मेन इसमें ना प्रॉब्लम बनती है इसमें, ये पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद मेन ठीक हो मुद्दा, गया सर। बाकी आगे क्वेश्चन कोई नहीं है, मतलब क्वेश्चन आगे जस्ट आपने फॉर्मूले डॉट पुट कर देना है। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट ठीक पार्ट करो। हाँ जी, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अली। इसके टोटल 12-13 कितने क्वेश्चन है, इसके टोटल 16 सजीत के 16 क्वेश्चन है इसके। नहीं 16 क्वेश्चन वो तो जो हमने करने हैं।
पहले 8 लगातार है। अच्छा अभी दूसरे वाला तो सेम ऐसे ऐसे ही हो जाएगा ना, ये कर लेंगे कर लेंगे। हाँ उसमें मतलब उसने दिया हुआ है, उसने लिखा भी हुआ है, मतलब वही ना सिंपल। अब थर्ड वाले में हमारे पास ये मसला बन गया, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में। अब अच्छा इसमें ना आने के चांसेस बहुत कम होते हैं पेपर में, लेकिन एक दफा बच्चों को अक्सर है ना तकरीबन ये टीचर्स जो हम करवाते हैं वो करवा देते हैं 10 या 12 तक क्वेश्चन करवा के खत्म करवा देते हैं, या मोस्टली यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन पहले ना करवा के खत्म कर देते हैं। लेकिन एक दफा ये हुआ था इसमें से पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, फिर उसमें मसला बनता है। लेकिन आया तो वो मतलब सर पहले 8 लगा था ना, उसके बाद फिर उन्होंने 1 छोड़कर 3 छोड़कर इस तरह बनाए, बाद में हाँ बस ठीक हो गया। अब तो बाकी इसमें 8 तो हैं आपकी आसानी होगी ना, लेकिन यस ये सर। मतलब इसका मैं बेसिकली कहने का मकसद ये था कि इस एक्सरसाइज को ऐसे लेंथी करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले चैप्टर में से और दूसरे चैप्टर में से एक सवाल बन जाना है, फिर दूसरे चैप्टर में से और जो तीसरे चैप्टर 3.1 से 3.4 तक एक क्वेश्चन बनता है ना, इसी तरह 3.5 से लेके 3.8 तक एक क्वेश्चन बनता है। ठीक हो गया। अच्छा अभी ये देखें, अब इसमें ये क्या फॉर्म थी हमारे पास, इम्प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर फॉर्म खत्म करने के लिए हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर 3x-34 अंदर रख लिया और डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर +2x-15 पे। ठीक हो गया, अभी जब डिवाइड करने के बाद 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिमेनिंग रह गया, इसको कैसे लिखते हैं, 1 + x-19 ओवर दिस वन, और जिसको हम सैया कहते थे याद है कि नहीं, सैया दौड़निया। क्या एक सही एक बटा 9 याद है कि नहीं, हाँ जी सर वो इसमें मल्टीप्लाई करते 9 को इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसमें ऐड करो, तो ये वही प्रोसेस है हमारे पास सेम। तो ये कन्वर्ट करने के बाद अब देखें क्वेश्चन सिंपल बन गया। अब 1 तो हमारे पास रहना ही रहना है क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा है वो, उसकी इंटीग्रेशन भी हमने लेनी है। अब 1 वाला प्रोसेस तो खत्म हो गया, अब दूसरा प्रोसेस इधर स्टार्ट हो गया इसका। अब इसका फिर वही मसला कि इसके अब पेयर्स बनाए दोबारा हम, पेयर्स बनाने के बाद उसके हम फैक्टर्स बन जाएंगे, फैक्टर को हमने ए बी आगे फिर उसी क्वेश्चन को आगे क्या करना है, एक मिनट, बस हो गया था यहाँ तक ही किया इसने। उसने भी यहाँ तक किया मेरे ख्याल, हाँ उसने भी आगे तक यस कह दिया कि आगे आपने खुद ही कर लेना है। ये तो देखें मतलब कि इसकी इसको सॉल्व करके लास्ट पर एक्स एक्स प्लस कर देंगे उसमें हम। हाँ मतलब जस्ट आपने देखना ना ऊपर ए और बी का आंसर डिफरेंट होगा, इधर लेट्स सपोज उसका मेरे भी आंसर आ जाए 2 और लॉग उसके साथ यही आना है x+5 और प्लस या माइनस में भी आ सकते हैं और आंसर शायद तो उधर सर वो नहीं वो एक्स तो ऐड करेंगे ना जो हाँ साइड हाँ चले वो हैं लिखना है, वो तो लाजमी लिखना ही लिखना है, ये वाला तो बस लिखना सही। है। तो इसका आंसर x-3 मे बी इसके साथ ये पोर्शन हो 3 वाला या -3 इस तरह का कोई भी, मतलब ये ए और बी की वैल्यू उधर डिफरेंट होगी बस, बाकी आंसर इसी तरह ही आएगा, मतलब प्रोसेस ठीक वही हो है। क्लियर हो गया ना, यस चौथा पार्ट। सर। अभी तक ये हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक इसमें कौन से आ रहे हैं नॉन रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं हो रहा रूट, यस सर यस इसमें रूट रिपीट होगा तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लेंथी हो जाएगी। अगला ठीक है। सवाल सेम एज इट इज वही, x-a x-b कर दूं ये वाला, तो ऊपर ऊपर जो पॉजिटिव हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कोई नहीं, हमने किसको देखना है, मतलब नीचे वालों को नहीं नहीं, मतलब कि रिपीटेड के नॉट रिपीटेड वो देखना हमें। नहीं 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 हमने देखना है ऊपर, ये देखो ऊपर x की पावर कितनी आ रही है, वन नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आएगी। टू हाँ तो हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म में है, हमने मतलब इसको नहीं अच्छा कंसीडर करना, आप इसको बाहर ले जाओ इंटीग्रेशन के ना, सही सही ये a-b आ गया हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, ये सही सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन ये x-a x-b, वो बस उसने उलझाया हुआ है और कुछ नहीं किया। अब नीचे हमारे पास वो 2 वाली टर्म है,
ए ओवर करेंगे इसको एक्स माइनस ए की ए तरह, प्लस बी ओवर माइनस एक्स माइनस बी। बी हाँ आगे सॉल्व करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा उसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे और ए माइनस बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन इसकी जब जो भी आएगी उसके साथ ए मनफी बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक यस यस सर। सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी वही सेम पैटर्न कह रहा है हम। नीचे पावर कितनी है? टू है। ऊपर पावर छोटी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को हम चेंज ही पूरा कर लें, ये देखो अब इसने ऐसे किया है ना, अगर हम मतलब इसका माइनस ऊपर वाले में से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री। नीचे वाले में से थ्री माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा पॉजिटिव नहीं है, ऊपर एक्स प्लस थ्री नहीं आएगा। एक माइनस ठीक 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 माइनस ठीक कॉमन ठीक ले लिया ना हमने, माइनस प्लस एक्स माइनस वन, ये पॉजिटिव हो गया। मतलब वो उसके रफर को हमने लेके चलना ही नहीं है, ये माइनस को साथ लेके चलता जा रहा है ना, इससे कंफ्यूजन होती है पेयर बनाने में। तो इधर हमारे पास आ गया एक्स माइनस थ्री और नीचे पेयर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मतलब माइनस छः एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में आए और जमा करने में क्या आए तो क्या बनेंगे पेयर, प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। अब ये ऊपर क्या बन गया, एक्स माइनस थ्री ओवर में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, थ्री एक्स, थ्री एक्स कॉमन आ गया और पेयर बन गया इधर टू एक्स प्लस वन, इन दोनों में माइनस वन कॉमन आ रहा है तो इधर भी क्या बन गया टू एक्स प्लस वन। तो आंसर में आ गया हमारे पास एक्स माइनस थ्री, जहां से आ गया हमने पार्शियल सर। फ्रैक्शन शुरू, थ्री एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस वन। अब इधर से हमने पार्शियल फ्रैक्शन आगे शुरू करनी है। अब ये देखें ऊपर आंसर हमारा भी वही आएगा क्योंकि ऊपर उसका माइनस एक कॉमन है, अब नीचे भी उसका माइनस हमने कॉमन नहीं लिया था, आंसर हमारा भी वही आएगा जो उसका है। आगे इसके फैक्टर्स बना लेने आपने वो वाले पार्शियल फ्रैक्शन में, ए ओवर कर देंगे इसको, ये बन जाएगा हमारे एक पास, आगे आगे इसके वो आगे प्रोसीजर दिखाएंगे वो किया बस ने। इसने जो किया हुआ। ओके आगे उसने बहुत अच्छा किया हुआ है सारे समय लग गए आगे उसने बहुत अच्छे से सॉल्व सारी किया। समय याद तो लग बता गई। दे फिर, ठीक है ना, प्रीवियस की तरह का बेसिकली मेन इस फार्मूले में पहुंचना होता है। अभी तक नॉन रिपीटेड जा रहा है हमारे पास तो इसलिए वो क्वेश्चन को ना आगे प्रोसीड नहीं करता। आगे क्वेश्चन नंबर आ गया सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में यस सर। हमारे पास उसने दे दिया एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक है ना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस दोनों आगे इसी तरह इनके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अली हो जाएगा ना ये वाला, यस यस सर। सर मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे ना कि मतलब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है तो मुझे वो बता कल देना दोबारा क्योंकि कर लो। ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह ही है। अब ये देखिए उसमें भी फैक्टर बना के उसने काम उधर ही खत्म कर दिया क्योंकि ये पहले मेरे ख्याल आगे से चलो। आठ आठ क्वेश्चन जो है जिसमें नॉन रिपीटेड बनते हैं। स्टॉप कर ले। ये है अब आ गया हमारे पास, इसमें भी इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर क्यों है, ऊपर वाले की पावर बड़ी है नीचे की पावर छोटी है, इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स एक्स माइनस सेवन टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स। अब ये हमारे पास प्रॉपर बन गई क्योंकि ऊपर वाले की पावर वन होगी नीचे वाले की पावर टू होगी तो इधर से प्रॉपर हो गया। इसको हमने उठा के क्या करना है, अब दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन इसकी लेनी है और इसका साथ साथ हम इंटीग्रेशन लेके चलते जाना है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर वन ओवर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स स्क्वेयर ओवर टू। यस सर।
तो ये हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, इधर से हमारे पास बन गया, ये देखें ये फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनाने के बाद आ गया एक्स माइनस टू, टू एक्स प्लस वन, फिर आगे उसने लिखा होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन एंड पुट आंसर इन वन। ठीक हो गया? मतलब कि पहले इसकी लास्ट इंटीग्रेशन करनी, लास्ट प्रैक्स के रोबोट ऐड कर देंगे। हाँ वो मतलब इसमें पुट करना है ना, उसने पुट इन वन लिखा हुआ है, इसको उठा के हमने लिया था ये पार्शियल फ्रैक्शन कर ली, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अच्छा करने के बाद इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट करने के बाद हमने उसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे, इंटीग्रेशन तो उसकी यही आनी है, और साथ इसके साथ ऊपर टू होना चाहिए था जब उसकी इंटीग्रेशन आएगी एट देन, तो वो हमारे इसकी पास इंटीग्रेशन ऊपर। को वन वन में पूर्ण कर देंगे इसकी हाँ इंटीग्रेशन को। इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसमें ए और बी वाली टाइप में आएगा ना, प्लस वाली फॉर्म में आएगा, प्लस बी ओवर मतलब उसका भी ऊपर कोई ना कोई आंसर आ जाएगा समथिंग। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, ये 9, 10, 11 अब। 9 नहीं है, 10, 9 10 नहीं है, 11 यस है। ओके हाँ ये देखो आ गया क्वेश्चन वो वाला, लेकिन अभी भी इसमें वो नहीं है क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन, अब पहले हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो थे टू रूट्स वाले, इसमें आगे हमारे पास थ्री रूट्स। थ्री रूट्स कैसे, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, मतलब इंटीग्रेशन ए ओवर समथिंग प्लस बी ओवर समथिंग प्लस सी ओवर, समथिंग मतलब ये आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, ये बन जाएगा एक्स थ्री माइनस वन और ये बन जाएगा और एक्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस, वन मतलब ये इस तरह सॉल्व करना है हमने। वो कैसे, वो उसी पैटर्न से पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास वही रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा इसका। ठीक हो गया? अब यहां तक थे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो कौन से थे, नॉन रिपीटेड रूट वाले। ठीक हो गया, नॉन रिपीटेड यस रूट्स क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12, 12 है अली, 13 13 अब है। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 से ये देखो हमारे पास सामने स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है उसमें हम बता रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, ये देखें वन प्लस एक्स का स्क्वेयर, इसका मतलब ये रिपीट हो गया, वन प्लस एक्स, ये इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, रिपीट हो ऊपर गया करें दो सर इसको। दफा आ गया, तो इसलिए इसमें रेपिटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, करना वही है, फैक्टर उसी तरह ही बनने हैं नीचे जाके, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसमें, क्योंकि आंसर उस तरह नहीं निकलता जैसे हमने वो एक जुगाड़ लगाया था ना उसका बताया आपको, वो नॉन रिपीटेड में होता है, ये रिपीटेड में आ गया, रिपीटेड में आने के बाद आपने मतलब देखना है कि इसका हमें वो कंपैरिजन करना पड़ेगा इसमें आगे, जैसे वो यस सर पहले क्वेश्चन में किया हुआ था कंपैरिजन। ऊपर तो करें सर। ठीक है ठीक है वकील साहब ही बोल रहे हैं ओके। वकील साहब कहाँ से आ गए आज? आए कि नहीं। नहीं अच्छा अभी ये है क्लास में है वो। क्लास में बोल नहीं रहा। ये मुस्तफा इकबाल कौन है? पहले तो नहीं है शायद बायो का है, रहने दें आप। चला गया खुद ही चला गया। हाँ अच्छा अभी 12 क्वेश्चन नहीं है, 13 है। ट्वेल्व वाला ही करवा दें आप। नहीं, 13 है ना क्वेश्चन, सर चले मैं आपको शीट पे करवा देता नहीं ठीक हो। 12 वाला करवाएंगे तो कह रहा 13 की तरह सॉल्व करना है। 12 वाला करवाएंगे 13 वाला खुद हो जाएगा, नहीं तो 12 वहां वाला से देख करना के है, 12 करवा देंगे। वाला करना है सिलेबस में। नहीं वो कह रहा ना वो वो कह तो रहा ना काफी डल 13 करेगी। नहीं, वो कोई मसला नहीं, आप बताओ मुझे इसका, जल्दी जल्दी बताना, टाइम भी 4 मिनट। टू एक्स स्क्वायर 2x² ओवर ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स डी एक्स। अब उसी तरह हमने ये सारे का सारा पोर्शन रख लिया, टू एक्स स्क्वायर नीचे आ गया एक्स माइनस वन, ये प्रॉपर फॉर्म ही है क्योंकि एक का स्क्वायर है और एक जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर थ्री, ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर क्या आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं, सी ओवर बाद में एक्स माइनस वन का, ये काम करना है बस। अब ये फर्क था उसमें, जब इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन, इसके साथ आ जाएगा साथ एक्स माइनस वन आ जाएगा ना, एक जब एक्स प्लस वन आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस और एक्स माइनस वन और इसके साथ आ जाएगा सिंपल एक्स प्लस वन। अच्छा अभी ये देखें x प्लस वन जब आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, x प्लस वन इक्वल टू रखा जीरो के बराबर, इधर से आंसर क्या निकल आया x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है माइनस वन जब पुट करेंगे माइनस वन इसमें ही पुट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस वन प्लस वन, ये सारे का सारा पोर्शन जीरो, माइनस वन प्लस वन ये सारे का सारा पोर्शन जीरो, माइनस वन इसमें पुट किया माइनस वन माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर फोर बन गया और इधर माइनस वन पुट किया वो प्लस, ये ए का आंसर क्या बनेगा इधर, इधर फोर ए आ गया और इधर क्या बन गया टू, ए का आंसर आ गया वन ओवर टू, ठीक हो गया जी सर। बी का आंसर माइनस वन प्लस वन आ जाएगा उसका, वो इसमें पुट करेंगे इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, इसमें पुट करेंगे टू आ जाएगा और इसमें टू, सी का आंसर भी हमारे पास क्या निकलेगा 2c इक्वल टू टू, सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, ये देखें 1 पुट किया 1 माइनस वन जीरो, 1 माइनस वन जीरो, इसमें पुट किया 1 प्लस वन टू और इधर भी 1 पुट किया तो 2, तो c का आंसर आ गया 1। अब इनका एक्सपेंड करना है, हमने एक्सपेंड करेंगे इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, ठीक है कोफिशियंट कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b की भी, वो इसमें पुट करेंगे और इन सब का हमने क्या कर लेना है एट द एंड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अली ठीक है, कोफिशिएंट के आपने साइन ही कर दिया।